तमाम लोग जो कहते हैं कि वो इंट्रोवर्ट हैं और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बना पा रहे होते, या कुछ दोस्त उनकी ज़िंदगी में होते हैं लेकिन साथ साथ उन्हें होता है कि शायद वो उन लोगों के साथ ग्रो नहीं कर रहे, शायद उन लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, दोस्त वो अच्छे हैं लेकिन उस तरह का कोई दोस्त उनको नहीं मिल रहा जिस दोस्त की उनको ज़रूरत है। तो वो तमाम लोग किताब को अपना एक अच्छा दोस्त समझ सकते हैं क्योंकि वो आपकी ग्रोथ में भी हेल्प करती है और साथ साथ जो आप कहते हैं ना कि कनेक्ट नहीं कर पाते, रिलेट नहीं कर पाते, तो किताब से आप रिलेट भी कर पाते हैं, आप कनेक्ट भी कर रहे होते हैं। इस बात का एहसास मुझे हुआ शाहरुख नदीम की बातों से, शाहरुख नदीम के सेगमेंट से, जिसमें वो हमें किताब के बारे में जब बता रहे होते हैं, जब रिव्यू दे रहे होते हैं, तो बता रहे होते हैं कि किस तरह से किताब के साथ आप कनेक्ट कर रहे होते हैं, किस तरह से क्या क्या चीज़ें आपको उससे सीखने को मिल रही होती हैं। तो शाहरुख हमारे लिए आज फिर आज क्या हमें रियलाइज़ कराएंगे, आज हमें क्या सिखाएंगे, कौन सी किताबें हमें रिकमेंड करेंगे, आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग और मेरा सलाम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों के लिए। दोस्तों रिसर्च ये कहती है कि 80% लोग सुबह उठने के 15 मिनट के अंदर अंदर अपना मोबाइल फोन यूज करते हैं। हमारा मोबाइल और उसमें मौजूद सोशल मीडिया और उसके नोटिफिकेशंस ने हमें ओवरवेल्म कर दिया है। आखिर क्या वजह है कि हम कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के आदि हो जाते हैं? ये प्रोडक्ट्स हमारी जिंदगी का, हमारी हैबिट्स का हिस्सा बन जाती हैं। इसके पीछे दोस्तों एक सीक्रेट सॉस, एक सीक्रेट फॉर्मूला है जिसके बारे में नीर अयाल ने जबरदस्त किताब हुक में डिस्कशन की है। इस बुक में वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को गाइड करते हैं कि वो किस तरीके से एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं। इस किताब का मेन आइडिया हुक मॉडल है, जो कि एक 4-स्टेप प्रोसेस है जो कोई भी कंपनी फॉलो करके अपने कस्टमर्स की साइकोलॉजी के साथ खेल सकती है और एक सुपर हिट प्रोडक्ट बना सकती है। इस प्रोसेस की शुरुआत होती है ट्रिगर से, विच वर्क्स लाइक अ स्पार्क प्लग इन एन इंजन। इसकी मिसाल है एक सोशल मीडिया नोटिफिकेशन जो कि आपको मजबूर करता है एक एक्शन लेने के लिए। ट्रिगर का मकसद ही ये है कि आपको मजबूर किया जाए कि आप उस एक्ट को परफॉर्म करें, और यही हुक मॉडल का दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है वेरिएबल रिवॉर्ड। एक प्रोडक्ट तभी हैबिट फॉर्मिंग बनेगी जब उसके अंदर एक सस्पेंस होगा और वो सस्पेंस आपको लेके जाएगा एक रिवॉर्ड की जानिब। ठीक उसी तरह जिस तरह एक सोशल मीडिया की फीड काम करती है, जब भी आप उस पर लॉग इन करते हैं आपको कुछ नया देखने को मिलता है, सो आपको पता नहीं होता कि आगे क्या एक्सपेक्ट करना है। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन प्रोडक्ट्स को सुपर हिट बना देती है। और आखिरी स्टेप है इन्वेस्टमेंट। एक वक्त आता है जब आप इन प्रोडक्ट्स के इतने आदि हो जाते हैं कि आप अपना टाइम, अपना सोशल कैपिटल, अपना पैसा इन प्रोडक्ट्स को देना शुरू कर देते हैं। आप इन सर्विसेज के एडवोकेट बन जाते हैं और ये आपकी जिंदगी का एक इंटेग्रल हिस्सा बन जाती हैं। हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स का फायदा यह है कि इससे आपकी कस्टमर के साथ स्टिकिनेस बढ़ जाती है। आप प्राइस के साथ भी खेल सकते हैं, आपका कंपेटिटिव एडवांटेज भी बढ़ जाता है और कस्टमर की लॉयल्टी आप विन कर सकते हैं। नीर अयाल का यह फॉर्मूला आजकल की टॉप कंपनीज फॉलो करती हैं। अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं और एक ऐसी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो हमारी आदतों का हिस्सा बन जाए, तो ये किताब आपने जरूर पढ़नी है। जो दूसरी किताब है आज मेरे पास, वो है दिल दरिया समंदर, जो कि लिखी है वासिफ अली वासिफ साहब ने। ये किताब बेसिकली मजमूआ है उनके कॉलम्स का जो अखबार में शाया हुए थे। वासिफ साहब की क्या बात है, जिंदगी के उतार चढ़ाव, इंसानी नफसियात, हमारे ताल्लुकात और हमारे रवैयों की क्या खूब समझ थी उन्हें। वासिफ साहब का लिखा गया एक एक लफ्ज हीरे के मानंद होता है, उसमें गहराई होती है, सच्चाई होती है और ऐसा सबक होता है जिसको फॉलो करके हम अपनी जिंदगी के मामलात को बेहतर कर सकते हैं। दिल दरिया समंदर भी ऐसी ही एक किताब है। इसमें कुल 46 मजामीन हैं, जिसमें से हर एक कमाल खूबसूरती से लिखा गया है। इनमें से मेरे फेवरेट हैं बुढ़ापा, नींद, इंतजार और कामयाबी। वासिफ साहब की किताबें पढ़ने का मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त तरीका बताता हूं। यह आपने पढ़नी है रात के पिछले पहर, जब आपके कमरे में कोई मौजूद ना हो, मुकम्मल खामोशी हो, आवाज हो तो सिर्फ किताब के सफात पलटने की। इनकी किताबें पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं आप अपनी जात से आशना हो जाएंगे। थैंक यू सो मच शाहरुख, आपने हमें इतनी अच्छी किताबें आपने हमें रिकमेंड की
और मैं चाहूँगी कि तमाम लोग भी अभी जो हमें देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि किसी किताब पे शाहरुख रिव्यू दें तो आप हमें ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं, आपका पैगाम शाहरुख तक पहुँचा दिया जाएगा और उस बुक का रिव्यू वो पेश करेंगे, ताकि जब आप चाहते हैं कि जो आपने सीखा वो सब लोग सीख रहे हों और उससे मुस्तफ़ीद हों, तो डेफ़िनेटली शाहरुख उसका रिव्यू हमें देंगे। अब चलेंगे जी हम एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे। मैंने कहा था ना कि जब पीटीवी की कंट्रीब्यूशन की बात होती है कि पीटीवी में किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, तो कासिम जलाली साहब का नाम जो है वो टॉप लिस्ट में आता है। और कासिम जलाली साहब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पीटीवी के रह चुके हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न को उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूट किया, प्रोग्रामिंग में हर हवाले से। और जहाँ पर मैं प्रोग्रामिंग की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर उनकी डायरेक्शन और प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, वहीं पर साथ साथ उन्होंने एक्टिंग में भी अपना लोहा मनवाया। एक्टिंग कहाँ कहाँ की, किन किन ड्रामों में की, बहुत सारे लोगों को तो वैसे भी पता है, जिनको नहीं पता वो आज देखेंगे। इस ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे कासिम जलाली साहब से।